ज़्यादा लोग हैं, मैं भी बच्चे से बात कर रहा हूँ, मैं सारा बता रहा हूँ मस्जिद के बारे में ना। कह रहा था घर में हमारे बहुत अच्छे खाना बना होता, स्पगेटी वगैरह, लेकिन मेरे पेरेंट्स खींच के इधर ले आए। पीटा ब्रेड है हमारे पास, है बिरयानी है, और हमारे पास थोड़ी सी दाल है, और हमारे पास थोड़ा सा कोरमा है। एक्चुअली नॉट अ Boys and girls, क्या हाल चाल है? This is your boy Musa Khana and welcome back yet to another vlog. Today is Ramadan day 5 और आज है जुम्मा। तो अभी का सीन ये है कि मैं अरविंद मॉस्क के मेरे घर के पास ही है, वहाँ पे जुम्मा पढ़ने जा रहा हूँ। बाकी boys and girls आज हम ये भी चेक करेंगे कि हर फ्राइडे एंड सैटरडे को ना यहाँ पे होती ट्रेडिशन के फ्री फूड होता है रमजान में ना, तो वो भी देखेंगे जाके। मे बी मैं इसी मस्जिद में जाऊँ या मे बी मैं दूसरी मस्जिद में जाऊंगा, लेकिन आज जाके चेक करेंगे कि क्या खाने में मिल रहा है। और बेसिकली कभी कभी इन्होंने स्टॉल्स भी लगाए होते हैं, तो बड़ा खूबसूरत सा समा होता है। कल सहूर फेस्टिवल भी था, यहाँ का सबसे बड़ा सहरी फेस्टिवल, लेकिन अब कल मैं ह्यूस्टन जा रहा हूँ, मोस्ट लाइकली अली शेखानी ने मुझे बुलाया था, तो मोस्ट लाइकली फिर मैं उधर ही जाऊंगा। लेकिन आई थिंक दो हो रहे हैं सहरी फेस्टिवल, एक तो कल हो रहा है और एक नेक्स्ट वीक होगा, फिर हम उस वाले में जा सकते हैं। बाकी मैंने एक और बात आप लोगों से करनी थी जो मैं अपने चैनल पे देख रहा था। अक्सर ये होता है कि रमजान वीडियोज में मेरे पहले तीन ब्लॉग में मैंने कोको कोला खरीद ली, मैंने स्प्राइट खरीद ली, तो लो जी फतवे लगना शुरू हो गए कि ओ भाई शेम ऑन यू, एक कह रही थी कि इजरायली प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करते हो। पहले तो मैं अपना अगर बताऊं तो मैं कोई फास्ट फूड चेन से खाना नहीं खाता, आई यूज टू ईट इट बट अब मैं ये नहीं करता। लेकिन भाई बात ये है कि एवरीथिंग यू यूज, ऑलमोस्ट एवरीथिंग यू यूज इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओन्ड बाय दोज पीपल। तो जिस कंट्री में तुम बैठे हो ना, वो फंड ही उन लोगों से हो रही है जो उनको सपोर्ट करते हैं। जिस प्लेटफॉर्म पे तुम मुझे देख रहे हो यूट्यूब पे, वो भी उन्हीं का ही ओन्ड है, ठीक है। जिस कंपनी में मैं जॉब करता हूँ, टॉप 10 टॉप 50 कंपनीज आर ओन्ड बाय इजराइली पीपल। वो जो कोक मैं ले रहा था ना, वो अपने दोस्तों के लिए ले रहा था मैं, ये जो आ रहे थे मेहमान वगैरह। भाई आप अपनी जो चीज है जो आप बॉयकॉट करो, अब अगले पे थोड़ी लगा सकते हो, ठीक है। अगर मैं दूसरा कोई सोडा पीता हूँ, आपको लगता है दूसरे सोडे जो है वो उनसे ओन्ड नहीं होते? कोको कोला पेप्सी वगैरह मशहूर है तो आपको पता है, बट एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट ओन बाय देम, ठीक है। तीसरी बात, अगर मैं ये छोड़ भी देता हूँ पेप्सी कोको कोला, ठीक है, वैसे मैं यूजली इतनी पीता भी नहीं हूँ, बट लेट्स से कम्प्लीटली छोड़ भी देता हूँ, तो मैं लग रहा है मैं उनको कोई नुकसान पहुंचा रहा हूँ इस चीज से। यहाँ पे जो बैन हुआ था स्टारबक्स पे, जो लोग कर रहे थे वगैरह, अब मैं तुम्हें ले जाता हूँ स्टारबक्स पे, किसी दिन जाके देख लो, दोबारा भरा हुआ सारा स्टारबक्स, मैकडोनल्ड भरा रहता है, KFC भरा रहता है। भाई बैन, तुम्हारे बैन से ये चीजें लीव करने से कुछ नहीं होगा, और बहुत से लोग दिखाते हैं कि वो बैन करें लेकिन हिडन डोर्स वो नहीं करते। मैं जानता हूँ भाई, नेक वो है जिसको मौका नहीं मिला। भाई एक चीज है ना दुनिया में जो सबसे ज्यादा बोलती है, जिसकी सबसे ज्यादा सुनी जाती है, वो अनफॉर्चुनेटली है पैसा, और हमारे मुल्क के पास वो चीज नहीं है। तो अगर हम जितना मर्जी बॉयकॉट यहाँ पे कर लें, जो मर्जी कर लेना, हमारी इस दुनिया में कोई सुनी नहीं जानी। ये ऐसी बात है कि आपकी बंदी आपको छोड़ के चली जाती है ना, तो आप अपनी नर्व्स काट लो, नुकसान आप अपना ही कर रहे हो। पावर दुनिया में तब आएगी जब हमारे मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा। और मेरी हर वीडियो, ऑलमोस्ट हर वीडियो पाकिस्तान को मैं रिप्रेजेंट कर रहा होता हूँ, पाकिस्तान के बारे में अच्छी बातें कर रहा होता हूँ। अब मेरे कल दोस्त हैं, तो मैंने उनको इतना इस्लाम के बारे में टीच किया है। मतलब मेरा एक दोस्त है जो मुझे कह रहा है कि यार मैंने मॉस्क भी जाना है, तो दो दोस्तों को मैंने कन्विंस भी कर लिया अपने साथ मॉस्क लेके जाने के लिए। भाई इस्लाम को जितना मैं स्प्रेड करता हूँ, पाकिस्तान की इज्जत को जितना मैं स्प्रेड करता हूँ, शायद ही कोई करता हूँ, लेकिन मैं किसी के मुंह पर रगड़ता नहीं हूँ। वैसे मुझे देखो फर्क नहीं पड़ता, आप कॉमेंट करना है, जो करना करो, इट डजंट बॉदर मी। मैं लेकिन ये कह रहा हूँ कि यार ये वर्चू सिग्नलिंग करना छोड़ दो लोगों के ऊपर, कि भाई हम बड़े मुल्ला हैं, हम चीज जो सही करें ना वो तुम भी करो। तुम्हें नहीं पता उस बंदे के हालात, बंदे बंदी के हालात के, ठीक है। आप अगले को कह सकते हो कि यार ये प्रोडक्ट यूज ना करो, ये वो फलाना है, लेकिन अगले के ऊपर फतवे लगाना, उसको शेम करना, यार ये क्या बात हुई? तुम मेरा कंटेंट देखने आए हो, एंजॉय करते हो मेरा कंटेंट, ठीक है, अगर मैं कोई चीज गलत कर देता हूँ फतवे लगना शुरू हो जाते हैं। यू कैन बी द बेस्ट पर्सन, यू कैन बी द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कंट्री, ऑफ योर रिलीजन, बट इफ दैट पर्सन ट्रिप्स एंड फॉल्स, लोगों ने क्या करना उसको उठाने के बजाय तुम लोगों ने उस पर और मट्टी उछाल ली, यू नो, अच्छी बात नहीं होती यार, इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। मैं देखो ये भी कर सकता हूँ, एक और बात मैं लास्ट करूँ, मैं तुम्हारे सामने नहीं पीऊंगा इंदा से कोक, मैं पीछे भी पी सकता हूँ, मैं इस तरह का काम भी कर सकता हूँ। आई एम व्हाट आई एम बॉयज एंड गर्ल्स, मैं जो दिखाता हूँ ना तुम्हें यूट्यूब पे, मैं कोई चीज फेक नहीं करता, मैं बड़ा रॉ कॉन्टेंट को रखता हूँ, ठीक है। यू डोंट नो हाउ मेनी चैरिटीज एंड पीपल आई डोनेट टू, हाउ मेनी पीपल आई हेल्प। ये जो लाइफ है ना हमारी, ये भी गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह, इन द गेम ऑफ थ्रोन्स यू आइदर विन और लूज, देयर इज नो मिडिल ग्राउंड। जब तक हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी ऊपर नहीं जाएगी, जब तक हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी में पैसा नहीं आएगा, जब तक हमारा मुल्क इतना पैसा नहीं जनरेट करेगा कि वो दूसरे मुल्कों को लोन दे, तब तक हमारी वॉइस नहीं हर्ड होगी। ये लाइफ गेम ऑफ थ्रोन्स है भाई, मनी इज पावर, पैसा जो है ना वो बोलता है, और पैसा ही पावर है। एंड इफ यू वांट योर वॉइस टू बी हर्ड, देन यू नीड टू हैव मोर मनी देन द पीपल यू आर ट्राइंग टू, यू नो, अपोज। बाकी एनीवेज बॉयज एंड गर्ल्स, जुम्मे के लिए हम लेट हो रहे हैं, तो बस उधर निकल रहे हैं, फिर आप लोगों से सीधा जाके मस्जिद में मिलते हैं।
बॉयज एंड गर्ल्स हम आ गए हैं इस्लामिक सेंटर ऑफ इरविंग पे और गाड़ी पर हम यहीं पे लगा लेंगे। फूड स्टॉल्स लगे होते थे बाहर, अब तो ऑब्वियसली लगे होंगे, रोजा होता है, लेकिन रात के टाइम पे जब यू नो यहाँ पे इफ्तारी का होगा ना फ्राइडे सैटरडे को, तो आई थिंक बहुत ज्यादा फूड स्टॉल्स लगे हुए होंगे। तो एनीवेज लेट्स गो एंड प्रे। $2,000 takbir. अभी फिलहाल बॉयज एंड गर्ल्स प्यास से मैं फुल टाइम मरा जा रहा हूँ, तो घर वापस जाऊँगा, थोड़े काम शाम निबेड़ने, ठीक है, उसके बाद फिर इंशाल्लाह शाम को आपसे मिलेंगे नियर इफ्तार टाइम। सो आई विल सी यू लेटर। लेटर दैट सेम इवनिंग। सीन ये है कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं मस्जिद में जाके खोलूंगा रोजा, लेकिन मैंने कहा घर से ही खोल के जाते हैं। Boys and girls, running late. Hopefully उन्होंने stalls वगैरह उठाए ना अभी तक। फिजा मेरे साथ अभी इसलिए नहीं आ रही, उसकी तबीयत थोड़ी इतनी अच्छी नहीं है, जो मैं के टाइम पे भी नहीं आ पाई थी और अभी भी नहीं आ पा रही, तो आज हम ब्लॉग थोड़ा अकेले ही कर रहे हैं। तो पता नहीं ये फ्री करते हैं अफतारी की नहीं करते, चेक करते हैं कि क्या क्या मिल रहा है क्या क्या नहीं मिल रहा, फिर आपको दिखाता हूँ जाके। बॉयज एंड गर्ल्स, जब जुम्मे का टाइम था तो फॉरन पार्किंग मिल गई थी, अब खाने का टाइम है जब तो कोई एक पार्किंग भी नहीं है, मैं कब से ढूंढी जा रहा हूँ ब्रदर, ये निकल रही है गाड़ी। हमें तो किस्मत से पार्किंग मिल गई बिल्कुल साथ ही। मजे की बात है तो कुछ स्टॉल ही नहीं लगा हुआ यहाँ पे इन्होंने, हालांकि हमने फ्लायर पे लिखा हुआ था कि स्टॉल्स वगैरह हैं। एमी मैं आ गया भूखे पेट यहाँ पे, चलो चेक करते हैं अंदर। वैसे जस्ट फ्री फूड मिल रहा है लेकिन आई थिंक कुछ स्टॉल्स नहीं लगे हुए। रश देखो जरा कितना ज्यादा, वो आगे तक लाइन गई हुई है, मैं तो अच्छा हूँ फिजा को नहीं लाया। हम लोग वहाँ से घूम के आएंगे आगे से। सो बेसिकली गो फ्रॉम हियर एंड देन एट द एंड That's our goal. इतने ज़्यादा लोग हैं, मैं भी बच्चे से बात कर रहा हूँ, मैं सारा बता रहा हूँ मस्जिद के बारे में ना, कह रहा था घर में हमारे बहुत अच्छे खाना बना होता स्पगेटी वगैरह, लेकिन मेरे पेरेंट्स खींच के इधर ले आए। I can speak Urdu, so I can understand. What I said was, you had a delicious food at home, but your parents forced you to eat a food in the box. It's a iftari food review, free iftari food review. सिक्योर्ड द फूड, ठीक है, अंदर बच्चा था बड़ा फनी था, वो कह रहा था क्या कौन से यूट्यूब है तुम्हारा चैनल ना, तो मैंने ना उसको चैनल दिखाया ना, कहता यू हैव 43,000 सब्सक्राइबर्स, ओह माय गॉड, मैंने तो सोचा तुम्हारे 1-2-3,000 होंगे। खैर नहीं, बड़ा फनी बच्चा था, तो मुझे बता रहा था अपने स्कूल के बारे में, कहता यहाँ पे बड़े खराब बच्चे हैं, ये है फलाना है, तो अगर आपने कल को अपना बच्चा लाना है तो यहाँ पे ना लाना, इट्स अ वेरी वाइज किड दो। बट एनीवेज बॉयज एंड गर्ल्स, ये जैसे आप देख सकते हैं हमारे पास है इस वक्त पीटा ब्रेड है, हमारे पास है बिरयानी है, और हमारे पास थोड़ी सी दाल है, और हमारे पास थोड़ा सा कोरमा है। आई डोंट नो इफ आई एम गोना ईट ऑल ऑफ दिस, मैं तो सिर्फ टेस्ट टेस्ट करवाने के लिए लाया था और चेक करने के लिए कि एक्चुअली देख आ रहे हैं। तो पोब्लानोस पीरी पीरी है, वो बच्चा मुझे बता रहा था वहां से अपना ना खाना करते हैं यूजुअली। वाओ, दिस इज अ बीफ आई थिंक, बट एनीवेज लेट्स ट्राई द बिरयानी। एक्चुअली नॉट अ बैड बिरयानी, इट्स वेरी वेरी गुड। वाओ, एक्चुअली मैंने काफी मस्जिदों से ट्राई किया इफ्तारी वाला खाना, लेकिन आई थिंक इनका बेस्ट खाना है, और अल्हम्दुलिल्लाह फ्री का दिया इन्होंने, तो मुफ्त की आपकी करवा रहे हैं इफ्तारी, सो दैट्स अ बिग थिंग माशाल्लाह। बिरयानी इज वेरी वेरी गुड, 9 out of 10, तो बल्कि गर्म हो तो और मजे की हो, इतना सॉफ्ट बीफ है, आराम से बोटी टूट रही है, एंड द अमाउंट इज वेरी ग्रेशियस टू, काफी ज्यादा उन्होंने दिया, मतलब ये नहीं कि छोटा मोटा दिया, पूरी दो बड़ी बड़ी बोटियां दी हैं बॉयज एंड गर्ल्स। बच्चे कह रहे थे कल, कह रहे थे कि यार ASMR नहीं हुआ कल वाले में, ये लो तुम्हारे लिए ASMR। दिस इज वेरी वेरी टेस्टी यार। RHS कितना, ओए होए ओए होए, आपको पता मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं इसको ज्यादा खाऊंगा, लेकिन इतने मजे ही मेरा हाथ नहीं रुक रहे। तो जो मुझे डायलिस एरिया में देख रहे हैं अर्विंग मस्जिद आके, फ्राइडे सैटरडे को यू नो कम्युनिटी इफ्तार पे हैं, वैसे भी हैं, दाल ट्राई करते हैं। ओह वाओ, दाल भी टॉप टेर है बॉयज एंड गर्ल्स, दाल जो है वाओ 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 वाओ, ये तो चावलों के साथ खाने का और भी मजा है। रेस्टोरेंट टीयर, 9 out of 10 दाल है, स्पाइसी मजे की है। आंटी मुझे हंस रही है देखते हुए, इनको भी ले आऊं यूट्यूब वीडियो में, ज्यादा ही हंस रहे सारे मुझे देख के। चिकन ट्राई करने लगे हम, सालन चिकन, या आई डोंट नो व्हाट इट इज बट लेट्स ट्राई। ओए होए होए, इट्स मोर ऑफ अ चिकन मंचूरियन, बहुत ही टेस्टी है, 9 out of 10 अगेन बॉयज एंड गर्ल्स, टू मच टेस्ट इज कमिंग,
kudos to Irving Masjid. Bahut 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 acha khana hum logon ne khaya mashallah. To koi Irving Masjid wale agar dekh rahe hain point to see bahut mazedar khana deta hai mainu. Maza aa gaya 10 out of 10 almost tha ye. Lekin total main 9 dunga out of 10. Since free ka khana tha to hum isko 10 out of 10 kar dete hain. Allah aap logo aur de. Anyways boys and girls vlog ko hum yahan pe khatam karte hain. Don't forget to subscribe your boy Musa Khana aur mujhe Instagram pe bhi follow kar sakte hain. Instagram pe bhi bhai ki reels aa rahi hain. And trying to be consistent over there too. But anyways, boys and girls, I'll see you in the next vlog tomorrow. Most likely, I'm going to Houston. So, inshallah, aapko wahan pe milenge hum. I'll see you guys.